एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 4 तारीख, तो आज अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6 के सवा 6 होने वाले हैं, और अभी तक हनी के पापा आए नहीं हैं, तो हनी यहाँ पे खेल रहा है। और मेरी आंखों के नीचे देखो कितना डार्क सर्कल्स आ गए, देखो इस तरफ से दिख रहे हैं, देखो। और आज मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 9वां मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये समझ लो कि बस उल्टी गिनती शुरू। इस महीने के लास्ट तक बेबी घर में आ जाएगा। और एक तो इतना आतंक मच, हाँ एक इतना अच्छा आतंक मचाता है, फिर दूसरा भी आ जाएगा आतंक मचाने के लिए। आज नहीं, 1 मंथ के बाद अब आने वाला है आपके बर्थडे पे, तो हनी के बर्थडे से पहले कोशिश करेंगे कि बर्थडे के दिन ही। वैसे तो ड्यू डेट जो है मेरी, हनी का बर्थडे है 12 तारीख को, और मेरी जो ड्यू डेट है वो है 11 सितंबर की, और हनी का बर्थडे है 12 सितंबर। बर्थडे तो अगले मंथ है बेटा। और मेरा फर्स्ट बेबी, जैसे सभी को मैंने बताया है कि मेरा सिजेरियन है, तो जाहिर सी बात है दूसरा भी सिजेरियन ही करना पड़ेगा। अब डॉक्टर पे बात है, वो कब की डेट देते हैं सिजेरियन के लिए। नहीं नहीं, इतनी सारी कारें ही नहीं से खेलो, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैंने कुछ सामान मंगाया था हेलो फाई से, जो कि मॉम्स ऐप है, जिसमें मतलब डिलीवरी वालों का पूरा अपडेट दिखाई देता है, मतलब अपनी क्या कहते हैं LMP डेट डालनी पड़ती है, लास्ट जो पीरियड्स की डेट होती है उस हिसाब से उसमें कैलकुलेट होता है कि हमें कितने मंथ हुए हैं, कितने वीक हुए हैं, और बेबी कितना बड़ा, कैसे ग्रोथ है, उस पर वो सब कुछ दिखता है। तो वहीं से मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर करे, जो ये मैक्सी मैंने पहनी है वो भी मैंने वहीं से ऑर्डर करी थी, 2 मैक्सियाँ मैंने वहाँ से ऑर्डर करी थी, और काफ़ी अच्छी है फीड करवाने के लिए, दोनों साइड से इसमें जिप है, और ऐसी मैक्सियाँ यहाँ पर मिलती नहीं है मार्केट में, तो ढूंढनी पड़ती है, इसलिए वो ऐप स्पेशल बच्चे और मॉम के लिए है, तो इसलिए मैंने वहीं से ऑर्डर करी थी। और कुछ और भी मैंने अंडरगारमेंट्स भी वहाँ से ऑर्डर करे थे, क्योंकि वो स्पेशल मॉम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और कल ये वाला पार्सल आया है, मैंने सारे इसी में रखे हैं। तो मैं कुछ फीडिंग ब्रास मंगाई है, और एक मैंने बेल्ट भी मंगा के रखी हुई है, और एक सेट बच्चे के कपड़े हैं। तो उस पर क्या होता ना, क्या कहते हैं उसको, कुछ स्पिन करने का होता, गेम होता उसमें, स्पिन करने का होता, और उसमें बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, तो उस डिस्काउंट में मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं। और बेल्ट जब यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कि कैसी है बेल्ट। और जो फीडिंग ब्रास हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब उसमें ना आगे से खोलने का है, काफ़ी अच्छा है, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। एक सामान ये आया है, और कुछ आज आया है, कुछ अमेजोन से मंगाए थे मैंने डायपर वगैरह। और देखो बेबी होने के बाद हमें पैड्स की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को पता ही है कि ब्लीडिंग होती है, तो उस वजह से पैड की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉम्स जो कंपनी है वहाँ से, उस कंपनी के मैंने वो मंगाए हैं, उस ब्रांड के, मॉम्स ब्रांड के पैड्स मंगाए हैं इस बार, और वो सारा सामान आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हनी ने रखा हुआ है, खेलने पे लगा हुआ, अभी मैंने वो खोला भी नहीं है, तो थोड़ी देर में खोलूँगी। और कुछ और सामान भी मंगाए थे मैंने अमेजोन से, वो भी आ गया है। और मैंने मंगाए थे, अभी मैं एक वीडियो डालूँगी, मतलब एक क्लिप डालूँगी, इसके बाद मैंने अपने लिए कुछ ट्राउज़र टी शर्ट मंगाई थी, और काफ्तान जो कुर्ते हैं आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे, काफ्तान कुर्ते वो फ्री साइज़ में आ गया, बहुत बड़ा साइज़ है, अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े साइज़ ही चाहिए, और उसके बाद मैं उनको ऑल्टर करा दूँगी। तो काफ़ी अच्छा था वो भी, वो मैंने फेसबुक पेज से मंगाए हैं, जो लोग फेसबुक पे लाइव करते हैं वहाँ से मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, कलर क्वालिटी सब कुछ काफ़ी बढ़िया। हनी को देखो, कुछ भी चीज़ आती है तो हनी ऐसी करता है। तो आई थिंक इसमें होंगे डायपर, जहाँ तो मुझे लग रहा है इसमें डायपर होंगे, और इसमें है, इसमें पता नहीं क्या है, ये तो मेरा वो, हाँ इसमें मुझे लग रहा है वो है, क्या कहते हैं उसका नाम,
नई डायपर का ये है, और इसमें हमने लिक्विड, क्योंकि मशीन के लिए जो क्या कहते हैं कपड़े धोने वाला सर्फ एक्सल होता है ना, तो वो हमने लिक्विड वाला है, मार्केट में मिल नहीं रहा था तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो इसमें लिक्विड वाला मुझे भी दिखा वो। क्या वो, अभी पापा आएंगे तब खोलेंगे, ठीक है? ठीक है। और इसमें मेरे पैड्स होंगे जो मॉम्स के हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे हैं, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले, क्योंकि स्पेशली मैटरनिटी के लिए बनाए हुए हैं। ये बेबी के डायपर है और वो है शिशु कैसे कर सकते खड़े होके, अभी तो छोटा रहेगा, वन एंड हाफ ईयर तक उसको डायपर ही पहनाना पड़ेगा। मम्मी जब वो आपके बराबर बड़ा हो जाएगा ना मम्मी, हाँ जब उसको शिशु लग जाएगी तो काफी करेगा डायपर ही में, ठीक है ठीक है, उसी में कराएंगे, ठीक है उसमें बैठा के कराएंगे, ठीक है। हाँ, उसकी चोटी गीली हो जाएगी तो वही शुशु करेगा तो ठीक है, तब बदलना पड़ेगा उसको कच्चा। हाँ कच्चे में करेगा वो, सोच तो कच्चा तो बदलना ही पड़ेगा। हाँ ये बड़े लोगों के लिए उधर वाला थोड़ी सही होगा और छोटे बच्चों के लिए ठीक है। तो हनी कह रहा जो मेरा वाला, हाँ ठीक है ठीक है, तो हनी का जो पॉट पॉट है वो हनी उसी के लिए कह रहा कि उसको उसमें करवाएंगे पॉट में, तो मैंने कहा ठीक है, बट अभी हनी समझदार इतना समझदार नहीं है कि अभी छोटा रहेगा बेबी, 1 ईयर मतलब 6-7 महीने तक तो उसमें बैठाना इम्पॉसिबल है, जब तक बैठ नहीं सकता है बच्चा, तो ये चीज़ें लेके आए हैं, इसको खोलूँगी फिर देखूँगी कैसे हैं क्यों। तो ये जो पार्सल है ये मैंने फेसबुक पेज से मंगाया था, इसमें मैंने कुछ क्या कहते हैं ट्राउज़र और टी शर्ट मंगाई है, एक और एक टी शर्ट मंगाई है, तो ये जो सबसे ऊपर है ब्लू कलर का ये काफ्तान है, आजकल काफ़ी चल रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि अभी मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ है और इस वजह से मैंने फ्री साइज़ मंगाया था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी तो मैं इसको ऐसे ही पहनूंगी, बट जब पतली हो जाऊंगी उसको अल्टर करा दूंगी। और ये ट्रैक सूट है, मतलब समर के लिए है ये, तो समर के लिए है, बट आजकल भी पहन सकती हूँ मैं इसको, और काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया है। तो ये एक टी शर्ट है, नाइट ड्रेस, तो काफ़ी ये भी बहुत बड़ा साइज़ था, बट काफ़ी कपड़ा काफ़ी अच्छा था, अभी के लिए ठीक है, बाद में सारे मुझे ऑल्टर कराने पड़ेंगे। और जो नीचे ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो भी एक काफ्तान है, और आपको आगे पहने हुए दिखेगा, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत तो थी नहीं, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था और आजकल नया चल रहा तो मैंने ले लिया। और अभी मैं सीधे नाइट में ही आप लोगों से मिल रही हूँ, खाना वगैरह हमने खा लिया, 11 बज रहा था, और अभी हनी के पापा हनी के लिए कुछ वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन लिख रहे हैं, बीच में इसको इसके पेपर चल रहे थे और 2 पेपर ये दे पाया, 1 नहीं दे पाया क्योंकि उस दिन उसको फीवर आ गया था, तो मैडम लोगों ने फिर से मतलब जिनके छूटे एग्ज़ाम हैं उनको कराने के लिए एप्लीकेशन लिखवाने के लिए बोला, और साथ ही मेडिकल लगाने के लिए बोला था, तो उसके पापा एप्लीकेशन लिख रहे थे, और हनी देखो खेलने पर लगा हुआ है, तो ये देखो ये लिखने पे लगे थे, और हमने खाना वगैरह खा लिया था, 11 बज रहे हैं, ये देखो ये लिखी है हनी के पापा ने एप्लीकेशन, और कल सुबह ये स्कूल में जमा करना होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।